বড় কোনো প্রজেক্ট হাতে না হোক, এটা হচ্ছে পৃথিবীর আশেপাশে কিন্তু আমরা এই ধরনের সার্কেল চাই না, তারা কোনো ক্ষতিপূরণ পাবে না, কেননা স্বাগতম সবাইকে বিচরেকশনে আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আর একটি ওয়ার্ল্ডের ভিডিও শেয়ার করার জন্য। ওয়ার্ল্ডের ভিডিও, হ্যাঁ, কারণ ভিডিওটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড নিয়ে হবে, তাই আজকের ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে কি হাতে নিয়ে গোল করে মারামারি করবে এরকম কোনো কিছু, দেখা যাক ভিডিওর মধ্যে কি আছে। ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে আর্থ উইল হ্যাভ রিং সুন, বাকিটুকু হিন্দিতে লেখা, ওটুকু তুমি পড়ে দিলে ভালো হয়। মনে হয় একই টাইটেল ওখানে লেখা, আমি পড়তে পারি না, দর্শক পড়ে নেবে যারা আমাদের ভিডিও দেখবে, যে যে পড়তে পারে। তো এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওল্ড অ্যাফেয়ার্স থেকে, আর ওনাদের অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি এবং ঘুরে আসি। अगर सोलर सिस्टम में देखोगे तो आपको मिलेंगे चार प्लैनेट्स जिनकी रिंग्स, जी हाँ, हालांकि मेनली तो जो बड़ी रिंग्स आपको मिलेगी वो तो है सैटर्न और जुपिटर में, मगर यूरेनस और नेपच्यून में भी आपको कुछ थोड़ी बहुत रिंग्स मिलेंगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेशन में। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम को आप अगर देखें फ्रॉम अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू, तो अभी के लिए धरती के आसपास आपको कोई भी रिंग्स नहीं मिलेंगी। रिंग्स जैसे परहैप्स आपको जैसे मिलेगी अराउंड जुपिटर। जुपिटर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो जुपिटर के आसपास आपको बहुत सारी रिंग्स मिलेंगी, और ये रिंग्स ज़्यादातर बनी है नेचुरल डिब्री से। जुपिटर के आसपास बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, आप कह सकते हैं जुपिटर के खुद के मून्स हैं, और कई मून्स आपस में टकरा चुके हैं। उनका जो नेचुरल मलबा है उससे जुपिटर के आसपास आपको कुछ रिंग्स मिलेंगी। उसके अलावा ऑफकोर्स सैटर्न की रिंग्स तो है ही, सैटर्न की रिंग्स दूर से इनको दिखती है, और उस वजह से सैटर्न दूर से आप अगर देखो तो एक बहुत ही मजेस्टिक प्लैनेट लगता है। मगर जो ये रिंग्स हैं, अगेन ये ज़्यादातर बनी होती है नेचुरल डिब्रीज, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिटरल एक रिंग है, बस छोटे छोटे आप कह लीजिए स्पेस मीटियोर्स हैं, रॉक्स हैं जो लगातार ऑर्बिट कर रहे हैं सैटर्न को, उससे दूर से हमको लगता है कि सैटर्न के पास रिंग्स हैं। नाउ ऐसी ही रिंग्स बहुत ही जल्द पॉसिबल है कि अर्थ को भी मिल जाएंगी, मगर धरती की रिंग्स जब बनेंगी तब ऐसा नहीं है कि नज़ारा कुछ हद तक ऐसा होगा। एक्चुअली धरती की जब रिंग्स बनेंगी तो इट विल बी वेरी अगली, क्योंकि यहाँ पर होने क्या वाला है कि बहुत सारा जो स्पेस डिब्री जो ह्यूमंस ने खुद क्रिएट किया है वो पहले धरती को ढक देगा, उसके बाद जो बचा हुआ मलबा है उससे बन जाएंगी धरती के आसपास रिंग्स, कुछ हद तक ऐसे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर एनिमेशन है। नाउ ये रिसेंटली कहा है यूएसए के रिसर्चर्स ने, और दुनिया भर में इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। आप सर्च करेंगे आज के समय अर्थ रिंग्स, आपको इस पर 85 आर्टिकल्स मिलेंगे कि अर्थ बहुत ही जल्द खुद की रिंग्स डेवलप कर लेगा जिस तरीके से सैटर्न की है, और ये रिंग्स बनी होंगी अंतरिक्ष के मलबे से, अंतरिक्ष के कचरे से, जिसको आप कह सकते हैं स्पेस जंक। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के, अगर ऐसा होता है तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या होंगे, इन द फ्यूचर स्पेस को एक्सप्लोर करने में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री ने रिसेंटली अंतरिक्ष के मलबे को क्लियर करने के लिए एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है जिसका नाम है नियो 01। ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन, जापान, रशिया, चाइना या फिर यूएसए। किस कंट्री ने लॉन्च किया था रिसेंटली नियो 01 को, कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ ये बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अंतरिक्ष में जो मलबा है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेस डिब्री। जी हाँ, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये डिब्रेस नहीं होगी, इवन दो स्पेलिंग में हम यहाँ पे एस लगाते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एस डिब्री। नाउ स्पेस डिब्री की प्रॉब्लम एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर हम लोग ना सैटेलाइट लॉन्च कर पाए और ऑल टुगेदर एक्सप्लोर ही ना कर पाए। बात तो आज के समय ये चल रही है कि लोग मार्स पे जाएंगे, मार्स पे कॉलोनी बसेगी, मार्स पर इलोन मस्क लेके जाएंगे हम सब लोगों को, मगर पॉसिबल है कि अगर स्पेस डिब्री इसी तरीके से बढ़ता गया तो ह्यूमन बींग शायद खुद ही को यहाँ पर फंसा ले धरती पर, और ये कहीं से भी एक एग्जैजरेशन नहीं है। रिसेंटली यूरोपियन स्पेस ऑर्बिटर ने ये ट्वीट करी, अब जिस तरीके से आपको बता होगा इसरो लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द आदित्य L1 मिशन, नासा लॉन्च कर चुका है पार्कर सोलर प्रोब सन को स्टडी करने के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी यहाँ पर यह सोचा कि ठीक है सन को स्टडी करने के लिए हम एक यहाँ पर मिशन लॉन्च करेंगे। अब इनको भी सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर यह दिख रहा है कि 27 नवंबर को बहुत सारा मलबा जो आज के समय स्पेस में ऑर्बिट कर रहा है उसके पास से इनके ऑर्बिटर को गुजरना है, और इनको डर ये लग रहा है कि अगर इस मलबे ने इनके स्पेसक्राफ्ट को हिट कर दिया
तो इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे हो जाएंगे बर्बाद, पूरा मिशन यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो बहुत ही रिस्की फ्लाई बाय इनका होने वाला है, और अभी तो हम सिर्फ 2021 में हैं। देखो अंतरिक्ष में मलबा बनता कैसे है, स्पेस डिब्री बनता कैसे है, ये प्राइमरली बनता है जब ह्यूमन बीइंग्स लगातार अंतरिक्ष में सैटेलाइट, उसके अलावा वेरियस और रिसर्च करने के लिए ऑब्जर्वेटरीज, ये सब लॉन्च करते हैं। अब एक सैटेलाइट आपने अंतरिक्ष में लॉन्च कर दी, उसकी लाइफ कितनी होगी? ऑन एवरेज 6 साल 10 साल, उसके बाद उसका कुछ काम बचा नहीं होता, वो लिटरली अंतरिक्ष में तैरती रहती है, इट बिकम्स स्पेस जंक। नाउ पिछले 20 साल में आप अगर देखो तो क्या हुआ है कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करना काफी आसान बन गया है, जिसके फायदे भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट अब आराम से आपको थ्रू सैटेलाइट मिल सकता है, धरती के बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में भी। उसके अलावा टेलीविजन आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो बहुत से इलाकों में, कम्युनिकेशन आसान हो चुका है, इससे धरती में तरक्की हुई है। मगर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आ गई है कि ऑल टुगेदर धरती के आसपास स्पेस जंग इकट्ठा हो चुका है, और ये स्पेस जंग लगातार बढ़ता भी जा रहा है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, मान लो कि 3-4 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने 8-10 सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी, 10-20 साल हो गए, अब ये सैटेलाइट्स पुरानी हो चुकी है, इनका कुछ काम है नहीं। अब क्या होता है कि काफी बार ये सैटेलाइट्स या तो आपस में टकरा जाती है, या फिर अंतरिक्ष में कोई मीटियोर इन सैटेलाइट्स को हिट कर देता है, और उससे क्या होगा कि एक सैटेलाइट जिसका वजन मान लीजिए आप 200 केजी 300 केजी के आसपास का था, एक सिंगल यूनिट था, अब वहां पर टक्कर हो गई है, अब बहुत से वहां पर पीसेस क्रिएट हो गए हैं 1 kg के 2 kg के, और अब 200-300 जो ये पीसेस हैं पूरे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 15,000 miles per hour। ये रिसेंटली कहा था नासा ने, ये अज्यूम मत कर लेना कि अंतरिक्ष में जो ये मलबा है ये बस आराम आराम से फ्लोट कर रहा है, इट इज मूविंग एट ए वेरी हाई स्पीड। अंतरिक्ष में अगर आप मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट है, उसको ये स्पेस डिब्री हिट करता है ना, तो उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि उसको किसी ने गोली मारी है। और जो ये थ्योरी है कि स्पेस डिब्री से ही और डिब्री क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं द कैसलर सिंड्रोम। इशू यहाँ पर ये है कि स्पेस डिब्री लगातार यहाँ पर फैलता जा रहा है, और एक तरफ बाकी प्लैनेट्स को आप अगर देखो, जुपिटर सैटर्न, वहाँ पर स्पेस डिब्री क्रिएट हुआ था ऑटोमेटिकली, वहाँ पर नेचुरल तरीके से मीटियोर जो नेचुरल सैटेलाइट्स थी वो आपस में टकराती गई और छोटे छोटे पत्थरों की वहाँ पर रिंग्स बन गई। मगर अर्थ के साथ जो हो रहा है वो काफ़ी हद तक हॉरिफिक होगा। इसमें क्या होगा कि पूरी धरती के आसपास तो आपको मलबा मिलेगा ही, उसके अलावा एक एडिशनल रिंग भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जिससे इन द फ्यूचर हो सकता है कि बहुत सी सैटेलाइट्स वापस धरती की तरफ क्रैश भी कर जाए और स्पेस मिशन लगातार फेल हो। अब सबसे ज़्यादा फनी बात यहाँ पर यह है कि ह्यूमन बींग्स ने एक प्रॉपर लॉ बना रखा है, इंटरनेशनल लॉ, कि अगर मान लो किसी कंट्री की सैटेलाइट आपके घर के ऊपर गिरती है तो उस कंट्री की सरकार को आपको कंपनसेशन पे करना होगा। मान लो फॉर एग्जांपल कल को चाइना की सैटेलाइट है, ये लोग उसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, रास्ते में स्पेस डिब्री आ गया, पूरा मिशन फेल कर गया, और जो ये सैटेलाइट है बिना प्रॉपरली लॉन्च हुए वापस धरती की तरफ गिर जाती है। और गिरती भी कहाँ पर है, मान लो जापान में किसी आदमी के घर पे ये गिर जाती है, तो उस केस में इंटरनेशनल लॉ के अंडर, और इंटरनेशनल लॉ भी कौन सा, द 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी और 1972 लाइबिलिटी कन्वेंशन के अंडर, वो आदमी क्या करेगा, जापान की सरकार को बोलेगा कि चाइना की गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करो, और एक केस लड़ा जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि जिस आदमी का घर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है उसको कितना पैसा देगी चाइना की सरकार। तो फिर चाइना की सरकार कुछ 2-3 million, 10 million जितना भी अमाउंट डिसाइड होता है ये पे करेगी जापान की सरकार को, और फिर उस आदमी को कंपनसेशन मिलेगी। इसका प्रॉपर लॉ है, मगर अंतरिक्ष में आज के समय आप एक सैटेलाइट बस लॉन्च कर दो, कल को सैटेलाइट को आप यूज करो ना करो, इसको लेकर कोई भी लॉ नहीं है। और अब इसी इशू के बारे में बातचीत चल रही है आज के समय कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट अगर लॉन्च की जाती है तो क्या उसके पीछे लॉ होने चाहिए कि ये सैटेलाइट जेन्युइनली यूजफुल होनी चाहिए तभी लॉन्च होगी, इस सैटेलाइट की जो लाइफ है 15-20 साल के आसपास, ताकि आप ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में लगातार सैटेलाइट लॉन्च करते रहो। तो ये सब बातें आज के समय करी जा रही है। अब यहाँ पर आप ये भी कहेंगे मगर एंटी सैटेलाइट टेस्ट का क्या हुआ, रिसेंटली रशिया की आलोचना हुई थी कि रशिया ने एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया है, उसकी वजह से ऑल टुगेदर स्पेस डिब्री काफी हद तक बढ़ गया है। तो देखो एंटी सैटेलाइट टेस्ट से बिल्कुल स्पेस डिब्री बढ़ता है, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सबसे बड़ा रीजन है ओवरऑल स्पेस डिब्री का, बिल्कुल वो प्रॉब्लम को और जरा खराब करता है। मगर मेन इशू यहाँ पर यही है कि जो पुरानी सैटेलाइट हम लॉन्च करते रहते हैं अंतरिक्ष में वही बन जाता है स्पेस जंक। तो नीड देगी आज के समय ये है कि कहीं ना कहीं हमको लॉज बनाने होंगे, और सैटेलाइट को अगर लॉन्च करना भी है कंपनीज को तो उसके लिए सर्टन अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। नहीं तो अभी के लिए आप अगर देखो नैनो सैटेलाइट,
বড়ি স্যাটেলাইট হার আগে ধরনের একটা আর্টিকেল আমরা কিন্তু পত্রিকায় উইদাউট এনি কেয়ার ফর দ্য ফিউচার অনেক বেশি স্যাটেলাইট তো यहां पे आपसे एक क्वेश्चन कि क्या आप लोग मानते हैं और इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप मानते हैं कि सैटेलाइट को भेजने का जो प्रोसेस है क्या इसमें कुछ अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं इससे जो बहुत सारे जो गरीब देश है अफ्रीकी देश है एशियाई देश है इनको प्रॉब्लम आएगी इनको भी डेवलप करना है इनको सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है ये फेयर थोड़ी ना है कि यूएस सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है कनाडा लॉन्च कर चुका है इंडिया लॉन्च कर चुका है बाकी कंट्रीज को प्रॉब्लम आएगी तो उनके लिए अनफेयर होगा तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली अंतरिक्ष के मलबे को क्लियर करने के लिए साफ करने के लिए किस कंट्री ने एक रोबोट प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम नियो 01 है तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चाइना ने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है अगेन ऐसा नहीं है कि सारा कचरा इससे क्लियर हो जाएगा बहुत ही माइन्यूट छोटा सा डिफरेंस इससे क्रिएट होगा मगर इन द फ्यूचर ऐसे बहुत सारे मिशन वेरियस कंट्रीज को लॉन्च करने होंगे तब हो सकता है कि हम स्पेस जंक कुछ 5-6% के आसपास कम करें जी हाँ इन द एंड जो सोल्यूशन है इसका वो यही होगा कि ह्यूमन बींग्स को कहीं ना कहीं आपस में एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनानी होगी कि कौन सा कंट्री कितनी सैटेलाइट लॉन्च करेगा পার ইয়ার আপনি আবাদী কে হিসাব সে আসলে এই রোলসটা কিন্তু তৈরি করা উচিত যে আসলে প্রত্যেক বছর কতগুলো স্যাটেলাইট প্রত্যেকটা দেশ উৎক্ষেপণ করতে পারবে এটা রোলস নাই বিধায় কিন্তু অনেক অনেকগুলো স্যাটেলাইট লঞ্চ করে ফেলছে ছোট দেশগুলো কিন্তু এগুলা লঞ্চ করছে না এগুলা করছে কিন্তু বড় দেশগুলো তো তাদেরই আমার কাছে মনে হয় উচিত যে একটা ল তৈরি করা এবং এটা নিয়ে একটা নির্দিষ্ট প্রসেস থাকা যাতে করে কোনো প্রবলেম না হয় সাধারণ মানুষের প্রবলেম তো অ্যাকচুয়ালি সাধারণ মানুষের এখন হবে না কিন্তু এটা আসলে পৃথিবীরই প্রবলেম হবে কেননা আমাদের প্রয়োজন স্যাটেলাইট অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন কেননা স্যাটেলাইট দিয়ে আমরা অনেক ভালো ভালো কমিউনিকেশন করতে পারছি আমরা আবহাওয়ার তথ্য পাচ্ছি টেলিভিশন কমিউনিকেশন করছি ইন্টারনেট কমিউনিকেশন করছি কিন্তু একটা স্যাটেলাইট 15 বছর কিংবা 20 বছর পর কিন্তু আর কাজ করে না তখন এটাকে সরিয়ে আনা প্রয়োজন কিন্তু যেটা হয় যে সেটা বিস্ফোরিত যখন হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে কোন একটা প্রবলেম হলে বিস্ফোরিত হয়ে গিয়েছে ছোট ছোট টুকরা আকারে ঘুরছে তো সেটা আর্থের চারপাশ থেকেই ঘুরবে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে চায়নার যে উদ্যোগটা নিয়েছে এটা কিন্তু একটা ভালো উদ্যোগ হ্যাঁ তবে এটা আরো অনেক বড় ভাবে শুরু করবে আকারে হওয়া উচিত কারণ এত ছোট একটা রোবট দিয়ে কিন্তু সে ছোট ছোট টুকরাগুলোকে এক জায়গায় করবে এবং সেটাকে সে ফেরত নিয়ে যাবে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আরো বড় কোনো প্রজেক্ট হাতে নাও আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রাথমিক একটা স্টেপ যদি চায়না এটা করতে পারে তখন আমাদের অন্যান্য হ্যাঁ এটার উপর আরো বেশি রিসার্চ হবে আরো কিভাবে করতে পারবে সেটা নিয়ে অবশ্যই কাজ করছে নিশ্চয়ই বিজ্ঞানীরা বসে নাই আমরা যে জুপিটার এবং স্যাটার্নের দেখি সেটা দেখে আমাদের ভালো লাগে কিন্তু পৃথিবীর আশেপাশে কিন্তু আমরা এই ধরনের সার্কেল চাই না কেননা যদি এটা হয় তাহলে আমাদের জন্য আসলে এটা অনেক বড় বিপদ ডেকে আনবে আমাদের পৃথিবীর আশেপাশে রানিং যে স্যাটেলাইটগুলো আছে সেগুলো দেখা যাবে যে কাজ করবে না সেগুলোতে প্রবলেম শুরু হয়ে যাবে সে কারণেই আসলে এই বর্জ্যগুলোকে আমাদেরকে সরে আনতে হবে এবং এই লটা খুবই জরুরি যে কে কতগুলো স্যাটেলাইট লঞ্চ করতে পারবে প্রত্যেক বছর কেননা যেভাবে লঞ্চ হচ্ছে এবং এলন মাস্ক যেভাবে আসলে স্পেস স্টেশন তৈরি করছে এভাবে তো মনে হয় পৃথিবীর চারপাশ ঘিরে ফেলবে এক সময় এটাও হতে পারে কারণ সে কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে লোক পাঠানোর চিন্তা ভাবনা কিন্তু অনেক আগে থেকে করছে এবং 2030 সালের মধ্যে মনে হয় সে বাণিজ্যিকভাবে লোক পাঠানোর চিন্তা ভাবনা তার আছে তো সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তার সেরকম অনেক বেশি স্যাটেলাইট বা অনেক আরও বেশি যন্ত্রপাতি সে উপরে পাঠাবে তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় আরও বর্জ্য তৈরি হবে সেখানে হ্যাঁ এবং এই বর্জ্যগুলোর কারণে কিন্তু আমরা আরও অন্য ধরনের প্রবলেম হয়তো বা পড়তে পারি যেটা আপনি কিন্তু এখানে বললো যে একটার সঙ্গে একটা ধাক্কালে কিন্তু সেগুলো নিচের দিকে পড়তে পারে এবং সেগুলো পড়ে কিন্তু ব্লাস্ট হতে পারে আগুন লাগতে পারে মানুষ মারা যেতে পারে অনেক বড় ধরনের ক্ষতিও হতে পারে তো এটা আসলে অনেক বড় রিস্ক এবং এইসব ক্ষতি হওয়ার কারণে যে দেশের যে মানুষের যে ফ্যামিলির ক্ষতি হলো তারা কোনো ক্ষতিপূরণ পাবে না কেননা এর উপর এখন পর্যন্ত কোনো ল কিন্তু তৈরি হয়নি হ্যাঁ সেরকম ভালো কোনো ল নাই তো ওভারঅল ভিডিওটা কিন্তু ভালোই ছিল হ্যাঁ ভিডিওটা খুবই ইনফরমেটিভ ছিল এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট ভিডিও এবং এই ভিডিওর ইম্পর্টেন্সে কিন্তু অনেক উপরের লেভেলের লোকজনকে চিন্তা করতে হবে সাধারণ যে জনগণ আছে তারা কিন্তু আমরা এইভাবে চিন্তা করে পারবো না এটা আমরা কখনো চিন্তা করে আমরা সারাদিন মাথা ফাটালে এগুলোর কোনো সমাধান আসবে না এটা অন্তত বিষয়কে চিন্তা করতে হবে তো যাই হোক ভিডিওটি অনেক ভালো ছিল আর আজকের এই ভিডিওর উপর রিয়াকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি
তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।